और अभी हम खाने की टेबल पर आ चुके हैं क्योंकि ईद का दिन है और ईद पर आपको पता दावतें तो होती हैं, तो हम मेहमान वैसे बिन बुलाए नहीं थे, मेहमान थे। तो हमारे साथ अब अनुशे भी हैं और हमारे बहुत प्यारे से क्यूट से स्वैग वाले यूट्यूबर जैद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इन दोनों से भी बहुत मजे मजे की बातें करनी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि रैपिड फायर हम खत्म कर लें कामन साहब के साथ, उसके बाद हम दोनों से बातें करेंगे। कामन साहब, अब हम रैपिड फायर जब कर ही रहे हैं तो कुछ चीजें मेरे ज़हन में भी आ रही थी। एक तो सबसे पहले बताइएगा खाने के हवाले से क्या पसंद है आपको। देखें खाने में तो जो मिल जाए वो सबसे ज्यादा अच्छा है। ऑप्शन दे दें। हलीम बिरयानी जो कराची वालों की बहुत फेवरेट है, कढ़ाई हलीम और नली बिरयानी और हलीम वो तो फिर एक्स्ट्रा है ना चीजें। लेकिन हलीम अच्छा लगता है मुझे। मैंने कराची जैसा हलीम कहीं नहीं खाया। हां मजेदार हलीम बहुत सारे हैं यहां पे। लस्सी या सॉफ्ट ड्रिंक? लस्सी। और ईदी मिलती है? हां मिलती है। और कितनी मिलती है? मां मदद देती है 5000। सिर्फ अम्मी देती हैं आपको? अम्मी और मेरे जो ताया हैं या जो भी बड़े हैं खानदान के वो देते हैं। मिजाजन शर्मीले हैं दिल फेंक? दिल फेंक। बेगम से मिली हूँ, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि वो पता चल रहा है कि अपनी पसंद होगी। और गवर्नर हाउस की सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है आपकी? गवर्नर हाउस की कायदे आजम साहब का ऑफिस मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि जिस ऑफिस में मैं बैठता हूँ उनके बराबर, बल्कि अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि वो प्रिजर्व किया हुआ है। शरीफ आदमी बेगम से डरता है? हाँ बहुत ज़्यादा। जो कोई ख्वाहिश ऐसी जो पूरी ना हुई हो? सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो अल्लाह ने पूरी कर दी और आखिरी यही था कि जो मनसब पे अल्लाह ने बिठाया है तो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं है। अब आसिफ जरदारी या इमरान खान? आसिफ जरदारी। ऑलराइट। अच्छा मुझे ये बताएगा सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स या गजल्स? गजल्स। बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ? बेनजीर भुट्टो। अच्छा माविश याद माहिरा खान या मीरा? हमें नाज़रीन एक प्यारे से छोटे से क्यूट से बच्चे ने और ज्वाइन किया है जो कि तैमूर हैं और बड़े स्मार्ट बॉय हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। शैतानी जो है वो नजर आ रही है चेहरे से। अच्छा मैं चाह रही हूँ एक दो सवाल मेरे फटाफट में पूछ लेती हूँ। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, क्रिकेट फुटबॉल क्या? क्रिकेट। अच्छा आप ये भी बताएगा कि ये जो नेटफ्लिक्स है क्या देखते हैं? बहुत ज्यादा। पासवर्ड किसी का शेयर किया? वही अपना ही है। अभी तक उसका कोई पेमेंट नहीं की, जहाँ जाते कहीं ना कहीं से मिल जाता। अच्छा कोई निकनेम था आपका? हाँ। क्या? कामी। अच्छा वैसे कामी। माय नेम इज कामरान, बाय द वे, तो कामी ही बनता है वैसे हमारा। अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जब पढ़ते थे? कि जल्दी से बस छुट्टी हो जाए। छुट्टी हो जाए, ब्रेक मिल जाए। छुट्टी का सब्जेक्ट? हाँ ब्रेक का सब्जेक्ट बहुत अच्छा। अच्छा उर्दू मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा उर्दू अच्छी लगती थी, फिर तो माशाल्लाह शायरी का भी शगफ होगा। हाँ थोड़ी बहुत कर लेते हैं कभी कभी, पढ़े हुए लिखे हुए दूसरों के चुरा चुरा के। अच्छा मुझे ये बताएगा कि शायरी की बात की है तो फारूक सत्तार के लिए शेरी सुन लें? नहीं वो अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे। अच्छा आ रही है। अच्छा मैं शेर उनके लिए भाई शेर मंगवा दे जरा। अच्छा मुझे बताया कुकिंग में सबसे अच्छा क्या बनाते हैं, मुझे लगता है आपको कुकिंग का शौक है। हां मुझे कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है। खुद बना लेते हैं वो पकौड़ों की बात अभी हम ऑन द एयर भी कर रहे थे। नहीं नहीं वो भी बना लेता हूँ। और दूसरा एक रोस्ट बनता है ना जो मंदी मंदी टाइप का, वो अच्छा। बहुत अच्छा बनाता हूँ, किसी दिन आपको खिलाएंगे तो फिर आप कहेंगे वी विल लव टू ईट दैट। बच्चों ने खाया मेरे। अच्छा खाया आपने? बाबा खाना अच्छा बनाते हैं? मिल जाता वैसे आपको इतना? अभी तो नहीं, इस बार पिछले रमजान हमने खूब बना बना के खाए है ना। अच्छा बच्चों के हवाले से भी, तीन बच्चे तो यहाँ पे हैं माशाल्लाह आपके, एक मेरा और छोटा अभी 3 महीने का है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तैमूर जैद खान टिसोरी, अनुषा खान टिसोरी और तैमूर खान टिसोरी। ऑलराइट। और जुल्कर्न है ना? वो जुल्कर्न है। ऑलराइट। और सबसे ज्यादा प्यार किससे है आपको? तैमूर किसके बाबा को प्यार सबसे? तैमूर सच्ची बात बताएगा। हाँ से हम पूछ रहे हैं जैद आपको किससे सबसे ज्यादा प्यार है? किससे सबसे ज्यादा प्यार है आपको? जो मेरी वीडियो स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा नाज़िम मैं बता दूं जैद माशाल्लाह इतने ऑसम किस्म के यूट्यूबर हैं और अब तो माशाल्लाह ये कोई एसोसिएशन बना रहे हैं यूट्यूबर्स की, तो बताएं थोड़ा सा क्या करने का प्लान है। और यूट्यूब चैनल का सबसे पहले बताएं कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपके? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, मेरा नाम है जैद खान टिसोरी। ऑलराइट आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें उसको जाके। ऑलराइट और कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी? मेरे 100K स्पीड हुआ और वेरी नाइस अभी वेरीफाइड भी हुआ आज सुबह। अच्छा 100K हो चुके हैं यार, ये तो पहले से ही वेरीफाइड हो गया बीच में। माशाल्लाह। और यंगेस्ट है 12 साल के अभी। और अभी मैं सुबह जब मैं उठा ना तो मुझे ना यूट्यूब से ईमेल आई हुई थी कि मेरा चैनल वेरीफाई हो गया है। वेरी नाइस। तो आपका प्ले बटन आने वाला है? हां बस प्ले बटन आने वाला है। ऑलराइट तो उस एसोसिएशन के बारे में बताइए। एक और चीज भी है कि प्ले बटन जब आएगा तो उसमें एक गिव अवे भी कर रहा हूं मैं, एक आईफोन का। क्या गिव अवे कर रहे हैं? ऑलराइट तो जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब करें अगर वो आईफोन जीतना चाहते हैं। चलो जबरदस्त। अच्छा एसोसिएशन के बारे में बताएं आप क्या सोच रहे हैं? मैं एक एसोसिएशन बनाऊंगा जिसके अंदर सारे यूट्यूबर्स आएंगे, लाइक बड़े यूट्यूबर्स हैं छोटे भी। उसका चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए। नहीं नहीं आपको बनाएंगे, अभी जब आइडिया आपका है तो फिर आप बनाएंगे। अनुषे को इंटरेस्ट है यूट्यूब में? हां
बनाने का नहीं है तो भाई को सब्सक्राइब किया कोई नहीं सपोर्ट कर रही है उसको अच्छा जबरदस्ती किया हुआ है आपके फोन से लेके ये भी होता है ना कि बच्चे जो है ना एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो मदद करती है वो इनके जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं जब इसने शुरू किया था तब कभी कभार मदद करती थी अपनी डांस करता है वैसे तो ये लाइक आपका भाई जो है वो पहले बहुत कहता था लेकिन अब इसके ऊपर यूट्यूब पे तो अब नहीं कहता काम पड़ गया बोल अनुष आज ईद का दिन है ईदी बाबा से कितनी मिली है 5000 अच्छा अनुषा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप तो आप दोनों लाइक आपका जब स्टडी चल रही होती है तो आप लेते हो हेल्प अपनी बहन से नहीं अच्छा बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं है हम लोग पहले डिफरेंट स्कूल्स में थे तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट थी अच्छा वो अमेरिकन स्कूल में था ये जीसस एंड मैरी दोनों का एक का कॉन्वेंट है एक का अमेरिकन वो था सिलेबस डिफरेंट है हां वो तैमूर जो है ब्रिटिश ओवरसीज में था अब ये तीनों एक साथ एक ही स्कूल में हो गए ओके तो स्कूल में जाते हुए लाइक आप अब बहन भाइयों की आपस में लड़ाई भी बहुत चलती होती है खासतौर पर जब स्कूल के अंदर होते हैं और आपके अपने दोस्त होते हैं भाई के अपने दोस्त होते हैं और इनमें से किसी से समटाइम्स नहीं बन रही होती तो स्कूल में लड़ाई वगैरह होती है अब नहीं होती अच्छा पहले होती पहले जब घर आते थे दोनों के फ्रेंड्स आते थे आपस में मसला ये कि मेरे पुराने स्कूल में थे ना तो मेरे ज़्यादा दोस्त इधर नहीं आते बट इस स्कूल में मेरे दोस्त सारे इधर आ रहे हैं तो उसमें ये है कि इस क्लास में सारे दोस्त में छोटे हाइट के हैं एक में छोटे यहाँ तक के तो फिर मैं घूम रहा होता हूँ उनके साथ कि सेम क्लास है बट ये मजाक उड़ाती है मेरा अच्छा। तो बच्चों अच्छा, वैसे मास्टर इसकी हाइट अच्छी है तो इसलिए बड़ा लगता है बच्चों के साथ घूम रहा है अच्छा अनुषी मुझे ये बताओ गवर्नर हाउस में कैसा लग रहा है और जब जहाँ पहले टिसोरी हाउस था वहाँ मज़ा आता था या यहाँ मज़ा आ रहा है खेलना पसंद है जब हम लोग टिसोरी हाउस जाते हैं तो बाबा तो होते नहीं होते मीटिंग में होते तो मैं मेरी मम्मा मेरी बहन जाते हैं वहाँ पर मूवी लगाते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर एंजॉय करते हो अच्छा प्लान बता तैमूर जो है ना वो पता चल रहा है शो कर रहा है कि वो सबसे ज्यादा घर में शरारती है तैमूर क्या किसको तंग करते हो सबसे ज्यादा अच्छा दोनों को पापा को भी करता है पापा प्यार करते हैं मामा ज्यादा प्यार करती है हां दोनों ने प्यार करते हैं नहीं वो बॉयकॉट कर रहा है आप लोगों का वो कह रहा है दोनों प्यार नहीं करते बाबा लव नहीं करता बीबी को हवाए नफ्स की है हुक्मरानी लुटेरा कर रहा है पास पानी बोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर अहले खाना परेशान बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करें कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज CNN आज तक इंडिया टुडे टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ उफ क्या जुल्म है बोल इंसाफ का मुंतजर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए